हाय गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ YouTube का एक ऐसा कंटेंट जिस पे अगर आप लोग वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियो वायरल हो सकती है और आपका चैनल ग्रो हो सकता है, क्योंकि इस कंटेंट के ऊपर बहुत ही कम YouTube चैनल बने हुए हैं और इन वीडियोस को देखने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आप लोगों को गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस को बनाते हैं, तो आपका चैनल बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएगा। न आपने अपना फेस दिखाना है और न आपकी अपनी वीडियोस होंगी, सबकी सब वीडियोस कॉपी पेस्ट होंगी और आपने कॉपी पेस्ट काम करना है। और आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मुकम्मल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जो लोग इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं वो किस तरह की वीडियोस को बनाते हैं, कैसे वहां से हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। ये बात तो कंफर्म है कि आप लोगों को जब तक मुकम्मल प्रूफ ना दिया जाए तब तक आप लोग मोटिवेट नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में आपको ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे और कहां से वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो के साथ बने रहना है और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन कर देना है। तो चलिए को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले YouTube के एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चैनल्स हैं जो लोग इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह की वीडियोस को बनाते हैं, कौन से चैनल्स हैं, ताकि आप लोग उनको देख के कुछ मोटिवेट हो जाएं और आप लोग भी उस टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट कर लें। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला एक चैनल है वो मैं सर्च करता हूँ, पावर क्विक्स। जब यहाँ पर ये लिख के सर्च करता हूँ तो नीचे यहाँ पर ये चैनल मुझे मिलता है, तो मैं इस चैनल के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पे ये चैनल ओपन हो जाता है। तो यहां पे आप लोग देखो इस बंदे के सब्सक्राइबर्स और यहां पे जो टोटल वीडियोस हैं वो भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे मैं वीडियोस के ऊपर आता हूं और यहां पे मैं पॉपुलर के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं कि हर वीडियो के ऊपर मिलियन के अंदर व्यूज आए हुए हैं। तो यहां पे मैं दोबारा से होम पे आता हूं तो यहां पे एक वीडियो प्ले करके भी आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसा कि यहां पे ये वीडियो मैं प्ले करता हूं तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे सिंपल सा आपने गेस्ट करना होता है, जो भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन का लोगो होगा आपने उसका नाम बताना है, इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, आपने इस तरह से सिंपल सी वीडियोस को क्रिएट करना है। और इसी तरह से एक और भी चैनल है वो भी सेम इसी तरह की वीडियोस को क्रिएट करता है। जैसा कि यहाँ पे मैं सर्च बार पे टाइप करता हूँ दी क्विक शो, तो जब यहाँ पे ये लिख के सर्च करता हूँ तो नीचे यहाँ पे ये चैनल मिलता है, तो मैं इस चैनल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं वीडियोस पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे वीडियोस को भी अच्छा खासा अपलोड किया गया और यहाँ पे हर वीडियो के ऊपर लाखों के अंदर व्यूज आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक वीडियो को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे एक वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की वीडियो है, जैसा कि मैंने दूसरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो दिखाई थी इसी तरह से यहाँ पे भी ये वीडियो बनाई गई है। तो आप लोग इस तरह से वीडियोस को बना के हजारों डॉलर्स कमा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को इन चैनल्स की अर्निंग भी दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं इस चैनल का जो लिंक है उसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद गूगल पे आता हूँ, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे मैं सर्च बार पे टाइप करता हूँ सोशल बर्ड्स। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है जो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मैंने लिंक कॉपी किया था जिस चैनल का वो यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट करके सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस चैनल की जो अर्निंग थी वो यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बंदा मंथली हजारों डॉलर्स कमा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके इतने ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा चैनल था उसको भी यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसका जो लिंक है वो कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद दोबारा से गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करके सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये चैनल मंथली कितनी अर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रूफ दे दिया है, आप लोगों को चाहिए कि इस तरह की वीडियोस बना के आप लोग भी हजारों डॉलर्स कमा सकते हैं। तो आप दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस को कैसे एडिट करना है। सबसे पहले वीडियो को एडिट करने के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए वो आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करनी है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं, जो भी पॉपुलर एप्लीकेशन है आप उसको सर्च करके उसका जो लोगो है उसको सेव कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं गूगल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फेसबुक लोगो, तो जब यहाँ पे ये लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ पे फेसबुक लोगो आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा लोगो यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक फेसबुक का लोगो डाउनलोड कर लिया, आप लोगों ने भी इसी तरह से जो भी पॉपुलर एप्लीकेशन है जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जो भी एप्लीकेशन है इनके लोगो डाउनलोड कर लेना है। तो जब यहाँ पे आप पॉपुलर एप्लीकेशन के लोगो
डाउनलोड कर लें, तो उसके बाद आपने दूसरा काम करना है, एक वीडियो क्लिप डाउनलोड करना है। वो आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, आपने यूट्यूब के एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार पर टाइप करना है टाइमर, टाइमर ग्रीन स्क्रीन। तो जब यहाँ पे ये लिख के सर्च करते हैं तो नीचे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो क्लिप है आपने उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे फोटोज़ भी डाउनलोड हो चुके हैं और यहाँ पे वीडियो क्लिप भी डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने काइंड मास्टर की एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने काइंड मास्टर की एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिलता है, आप लोगों ने इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी कलरफुल आपको बैकग्राउंड चाहिए आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड लेयर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद जो लेयर ऐड की थी, जो बैकग्राउंड ऐड किया था, इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसकी जो लेंथ है इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जितनी यहाँ पे मुझे वीडियो चाहिए इतनी यहाँ पे मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इस लेयर के स्टार्ट में आता हूँ और उसके बाद दोबारा से लेयर पे क्लिक करके नीचे हार्ड रेटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन मिलता है। मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक डब्बा सा मिलता है, मैं डब्बे को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं कलर पे क्लिक करके अपनी मर्जी का जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, जैसा कि यहाँ पे मैं येलो पे क्लिक करके यहाँ से डन करता हूँ, यहाँ पे येलो कलर ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे एक ड्रॉ करना है, एक पट्टी सी ऐड करनी है इस बैकग्राउंड के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे मैं पट्टी ऐड करता हूँ तो आप लोगों ने भी इसी तरह से इस पट्टी को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरह से पट्टी को ऐड कर लेना है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। जब ऐड कर लें तो उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है इस पट्टी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिलता है, आपने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक अच्छा सा जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी वीडियो होगी, वो यहाँ पे आपने टाइप करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ गैस दी ऐप लोगो। तो जब यहाँ पे ये टेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इस पट्टी के ऊपर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट है इसको भी आपने चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट पे आता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा सा टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड किया है इसको मजीद और अच्छा बनाने के लिए आपने इसका जो बॉर्डर है वो ऐड करना है। तो आपको साथ में कुछ ऑप्शन मिलते हैं, आपने नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आपने इस पे क्लिक करके यहाँ पे एक बटन होगा, बटन को ऑन करना है और यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिलता है, कलर पे क्लिक करके यहाँ पे एक अच्छा सा कलर ऐड करना है जो इसका बॉर्डर होगा। बॉर्डर ऐड करने के बाद यहाँ पे डन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट पहले से मजीद अच्छा बन चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। आप दोस्तों नीचे आपने जो एक लोगो डाउनलोड किया है जिस भी एप्लीकेशन का, आपने वो यहाँ पे ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डाउनलोड पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक फेसबुक का लोगो मैंने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये लोगो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इस लोगो को सेट कर लेता हूँ, आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने दोबारा से यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे आना और यहाँ पे जो टाइमर वाली वीडियो डाउनलोड की थी आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे वो वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे रिमूव करना है। तो यहाँ पे नीचे आपने आना है और यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है, आपने क्रोमा की के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो वीडियो का बैकग्राउंड होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने इस वीडियो क्लिप को अच्छी तरह से नीचे सेट कर लेना है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने वीडियो को प्ले करके देख लेना है। जैसा कि यहाँ पे मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख आ रहे हैं इस तरीके से आपकी वीडियो यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे वीडियो के स्टार्ट में आना और यहाँ पे जहाँ लिखा है स्टॉप, तो आपने इसको थोड़ा सा पीछे आना और यहाँ पे इसको रिमूव कर देना, इसको ट्रिम कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी इसका आंसर होगा, जैसा कि फेसबुक है तो आपने फेसबुक टाइप करना है और उसके बाद यहाँ से ओके करना है और यहाँ पे नीचे यहाँ पे फेसबुक का जो टेक्स्ट होगा उसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को और मजीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपने इसका जो बैकग्राउंड बॉर्डर है उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर एक एनिमेशन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलता है, आपने
इस पर क्लिक करना है और नीचे लास्ट में आना है और यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसकी जो स्पीड है वो फुल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपकी इस टेक्स्ट के ऊपर एक अच्छी सी एनिमेशन ऐड हो चुकी है और यहाँ पे आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आप मज़ीद और लोगों को यहाँ पे डाउनलोड करके इसी तरह से यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप बना के एक लॉन्ग वीडियो बना सकते। तो आप लोग इस तरह से वीडियोज़ को बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं। इन्हीं वीडियोज़ को आप शॉर्ट्स वीडियोज़ के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं।